क्या लगता है लव मेकिंग एक आर्ट यानी कि कला हो सकती है? रीति, ये सडनली क्या पूछ लिया तुमने? अरे अमित, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से इतना तो पूछ ही सकती है ना, और एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड या फियांसे से। वो बात नहीं है, बस ये सवाल एक लड़की पूछे तो अजीब लगता है। क्यों क्यों अजीब लगता है? अरे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं अमित, जहाँ हमने इतने बदलाव अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे हैं, तो इस कला के बारे में हम ओपनली डिस्कस क्यों नहीं कर सकते? तुम ही सोचो, जब हम लाइफ की हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो इसके बारे में डिस्कस करने में क्या हर्ज है? जितना एक मर्द एक अच्छी फिजिकल रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करता है, उतना ही औरत भी तो एक्सपेक्ट करती है। हाँ भाई हाँ, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन तुम इसे कला क्यों कह रही हो? अमित एक बात बता, हम अपनी लाइफ में प्रोफेशन में आगे बढ़ने या सक्सेसफुल होने के लिए कई स्किल्स डेवलप करते रहते हैं, है ना? हाँ, तो ठीक उसी तरह अपनी पर्सनल लाइफ में एक अच्छे फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए हमें सेडक्शन का स्किल भी लगातार डेवलप करते रहना चाहिए, वरना ये एक बोरिंग सा टास्क बनकर रह जाएगा, डोंट यू थिंक? अरे ये कोई जॉब ओपनिंग थोड़ी है कि एक कपल एक दूसरे को सेक्सुअली खुश करने के लिए कोई सीवी बनाए। देखा, फिर वही बात मिस्टर अमित, जब हम प्रमोशन पाने के लिए एडेड स्किल्स डेवलप करते रहते हैं तो प्रेम रस का भरपूर आनंद उठाने के लिए क्यों नहीं? यानी कि लड़का और लड़की दोनों को ये हुनर सीखना जरूरी है, और स्पेशली लड़की के लिए लव मेकिंग सिर्फ एक फिजिकल नीड ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, जिसके लिए हम दोनों के सेंसेस का स्टिमुलेट होना जरूरी है, और ये सेडक्शन से ही होता है। प्यार करना, सेक्सुअली अपने पार्टनर को वो सुख देना, उसे सेटिस्फाई करना, दोनों का एक दूसरे को छूना, सांसों का मिलना, इशारों से एक दूसरे को स्टिमुलेट करना, ये सब इस कला के ही अलग अलग रंग और ढंग है जो कपल को न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली भी सैटिस्फाई करता है। या तुम्हारे कहने का ये मतलब तो नहीं कि आई डू नॉट परफॉर्म वेल? मेरा मतलब, जब भी हम करीब आते हैं क्या तुम उतना एंजॉय नहीं करती? लाइफ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा ही रहता है ना अमित। मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी कपल को एक अच्छा प्लेजरेबल एंजॉयबल सेक्स लाइफ मेंटेन करने के लिए जरूरी है प्रलोभन की कला सीखना, द आर्ट ऑफ सेडक्शन डेवलप करना। अगर इससे हमारी फिजिकल रिलेशनशिप थोड़ी और मसालेदार और मजेदार हो जाए तो इसमें हर्ज क्या है? वैसे भी बहुत लोगों को ये नहीं पता कि प्रलोभन की कलाएं कितनी तरह की होती हैं, सुगंध से लेकर वेशभूषा यानी अपीयरेंस, ग्रूमिंग से लेकर बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स और न जाने क्या क्या। रीति को घर ड्रॉप कर अमित बाइक चलाता हुआ सोच में पड़ गया। प्रलोभन, सेडक्शन एक कला? इसमें कला कौन सी है? दो लोग सेक्सुअली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड वेल इट्स हैपेंस, लेकिन देखा जाए तो रीति की बात भी ठीक है। और स्पेशली लड़की के लिए लव मेकिंग सिर्फ एक फिजिकल नीड ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, जिसके लिए हमारे सेंसेस का स्टिमुलेट होना जरूरी है। Am I missing a point here? अगर सेडक्शन की कला मुझे सीखनी चाहिए तो मुझे इसकी नॉलेज मिलेगी कहाँ से? तभी अमित की नजर अपने सामने एक लाइब्रेरी पर पड़ी। उसने बाइक पार्किंग में लगाई और लाइब्रेरी में दाखिल हो गया। कभी नहीं सोचा था कि लव मेकिंग के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, यहाँ तो कई किताबें हैं। एक मिनट, ये रहे, प्रेम रस एक कला। अरे इसमें तो कई सारी ऐसी टिप्स हैं जो मेरी सेक्स लाइफ को चार चांद लगा देंगे। पहला चैप्टर है उंगलियां, स्पर्श और खरुंज, ये तो वाइल्ड राइड है भाई। बात सही भी तो है, आखिर टच या किसी के छूने के अंदाज से ही तो फीलिंग्स जाती हैं। अगर मुझे इसकी टेक्निक्स पता चल गए तो वाव अमित, तो तेरी सेक्स लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी। मैं तो इसे अभी पढ़ूंगा। मंशा से याद आया, इस किताब की शुरुआत में तुमने मुझे खरोचों और चुंबन के बारे में मेंशन किया था ना, क्या हमारे पुराने लेखों में इनके प्रयोग, टाइमिंग, तरीकों और तरहों का जिक्र मिलता है? जहाँ एक तरफ खरोंच को प्यार की निशानी माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इनका प्रॉपर पर्पस जानना भी काफी जरूरी है, और ये बात किसिंग पर भी लागू होती है। आफ्टर ऑल, पर्पस या उद्देश्य के बिना कुछ भी करने का फायदा नहीं होता। पौराणिक लेखों में भी हमें कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जो खरोंचों के महत्व और उद्देश्य दर्शाती हैं, जैसे कि उस प्रेमिका की कथा जो अपने शरीर के खरोंचों को ठीक नहीं होने देती,
क्योंकि वो उसे अपने प्रेमी की याद दिलाती हैं। इस कहानी की खास बात यह है कि जिस तरह के खरोंचों की इसमें बात की गई है उसका एक खास मकसद है। इसी तरह कामसूत्र और पौराणिक लेखों में अलग अलग तरह की खरोंचों के बारे में बताया गया है। कहीं किसी महिला के शरीर में खरोंच किसी भी पुरुष को उसकी तरफ उत्तेजित थे, वहीं कुछ ज्यादती खरोंच ऐसे भी थे जो शरीर के खास एरोजिनस जोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए किए जाते थे। कब, कहां और किस तरह की खरोंच करनी चाहिए इसका भी उल्लेख हमें कथाओं, लेखों और ग्रंथों में मिलता है। खरोंच समाज में ये दिखाने के लिए ही किए जाते हैं और इसलिए ठीक दांतों की तरह नाखूनों का भी खास ख्याल रखा जाता था। काम सूत्र के मुताबिक दक्षिण भारत के लोगों के प्राकृतिक रूप से अच्छे नाखून होते हैं जो उत्तेजना के दौरान खरोंच कर प्लेजर बढ़ाने के लिए परफेक्ट है। ये बात तो हम जान ही चुके हैं कि महिला और पुरुष दोनों के ही शरीरों में एरोजिनस जोन्स होते हैं जो स्पर्श, ध्वनि और चुंबन से उत्तेजित होते हैं। इस पर खरोंचों का एरिड टेक्निक प्लेजर को और भी बढ़ा देता है, लेकिन ध्यान रहे इसके तरीके और टाइमिंग होती है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। जिस तरह स्पर्श और ध्वनि का उपयोग उत्तेजना का भरपूर आनंद लेने के लिए किया जाता था, ठीक वैसे ही खरोंच भी इसी मंशा से किए जाते थे। मिलन के शुरुआती दौर में जल्दबाजी करके किए जाने वाले खरोंच साथी को आनंद देने के बजाय उसका मन भटकाकर उसे तकलीफ दे सकते हैं। इसीलिए ये सुझाव दिया जाता है कि खरोंच का इस्तेमाल मिलन की चरम सीमा के दौरान किया जाना चाहिए। काम सूत्र में खरोंचों की तरह और उनके पर्पस बारीकी से बताए गए हैं, जैसे कि अछुरिता या चाकू की धार, इसका उपयोग नर्व एंडिंग्स पर किया जाता था जो कि एक महिला को इंटेंस ऑर्गेज्म देने में मदद करती थी। अर्धचंद्र में उंगली के नाखून से आधा गोलाकार शरीर पर बनाया जाता जो कि मिलने की शुरुआत में पार्टनर को सेक्सुअली स्टिम्युलेट करने में मदद करता। ऐसा करने पर बीच की उंगली बदन पर एक निशान छोड़ देती। मंडला नाम की खरोंच जंघा, एब्डोमेन और पुष्ट पर की जाती, वहीं रेखा या देश एक सीधे आकार में की जाती। व्याघ्रण का या बाघ का पंजा चेहरे या छाती पर किया जाता। इसी तरह मयूर पदका को भी छाती पर किया जाता। शशपलता का या खरगोश की फुर्ती इसके बाद महिला को और उत्तेजित करने के लिए की जाती। उत्पल पत्ता का या कमल का पत्ता नाम के खरोंच को छाती या पुष्ट पर किया जाता। काम सूत्र में ये भी बताया गया कि किस स्थिति में खरोंचों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि अपने प्रेमी या प्रेमिका के अलावा किसी और की उपस्थिति में ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही पर्सनल फिजिकल और सेक्सुअल एक्सप्रेशन था जो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को प्लेजर देने के लिए अपनाते। इसे एक बहुत प्राइवेट तकनीक बताते हुए दायरों के अंदर उपयोग करने का सुझाव दिया गया। स्क्रैचिंग या खरोंच सिर्फ सेक्सुअल प्रोवोकेशन ही नहीं बल्कि खट्टी मीठी नोकझोंक के दौरान, फ्लर्ट करते समय या पार्टनर को कंट्रोल लेने के लिए न्योता देने के काम भी आता है। जहां खरोंचना प्यार का इजहार करने का एक फिजिकल तरीका हो सकता है, वहीं ये सुझाव भी दिया गया है कि अपने पार्टनर के मूड, छह प्रेफरेंस और कंफर्ट लेवल को समझ और परख कर इसे काम में लाना चाहिए। मिलन एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, न कि पेनफुल। दरअसल खरोंच एक तरह का स्पर्श है और इसका सारा उद्देश्य ही अपने प्रेमी या प्रेमिका के स्पर्श को महसूस करना है। ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। स्पर्श से आखिर हीलिंग भी होती है, शरीर का ब्लड प्रेशर भी स्टिम्युलेट होता है, झिझक, डर और शर्म से भी छुटकारा मिल सकता है। उंगलियों में जादू होता है। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे हाथों की हर एक उंगली में शक्ति होती है। छोटी उंगली से अंगूठे तक अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इसलिए हर एक उंगली का इस्तेमाल मिलन के दौरान अलग असर करता है। एक या दो से ज्यादा उंगलियों को मिलाकर अलग अलग अनुभव दिए जा सकते हैं। इन कॉम्बिनेशंस या मुद्राओं का कोई अंत नहीं। उंगलियों की तकनीक में भी कई वैरायटीज और पर्पसेस थे, जैसे कि करना तकनीक जो कि इंडेक्स फिंगर के इस्तेमाल से होता था। वैदिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि का जन्म और अंत वायु से ही होता है, इसलिए इसका उपयोग अकेले नहीं करना चाहिए क्योंकि इस उंगली की शक्ति सबसे महान है। इसका अकेले मिलन के दौरान इस्तेमाल करने से आनंद के बजाय दर्द और मिलन से मन हट जाने का डर उत्पन्न हो सकता है। बीज की उंगली या कनक तकनीक मिलन के शुरुआत में किया जाता था। ये योनि को उत्तेजित करने के लिए काफी असरदार माना जाता था। कांकरा तकनीक से सेक्सुअल एक्सटेसी चरम सीमा पर पहुंच जाती है।
ये कामदेव के बाण के आकार में उपयोग किया जाता है। कमाऊ सत तकनीक उन महिलाओं के लिए उपयुक्त था जिन्हें सेक्सुअल अराउजल मुश्किल से होता था। बीच की उंगली और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल कर मदन खुश तकनीक यानी कि अंग्रेजी में हुक ऑफ कामदेव योनि को ऑर्गेज्म तक पहुंचाने के लिए किया जाता। मनमत पताका या हाथी का सूंड तकनीक महिला को प्लेजरेबल एक्सपीरियंस देने के लिए किया जाता। स्तोत्र तकनीक से उंगलियों को घुमाकर उत्तेजना को बढ़ाया जाता। इसी तरह पताका तकनीक, त्रिशूल तकनीक, शनि भोग तकनीक और करिहस्त तकनीक सभी महिला की काम उत्तेजना को चरम सीमा पर लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते, लेकिन ये सब तकनीक हर महिला पर अलग असर करते। कुछ उत्तेजना की चरम सीमा लांघ जाते तो कुछ को एहसास ही नहीं होता, बल्कि उन्हें इससे डिस्कम्फर्ट या ऑकवर्ड भी फील होता। कुछ तो टर्न ऑन की जगह टर्न ऑफ हो जाती। मिलन की उत्तेजना को महिलाओं में बढ़ाने के लिए पुराने जमाने में हस्त की उंगलियों को काम में लाया तो जाता था, साथ ही उसके लिए योनि का श्रृंगार भी होता था। राजा महाराजाओं के महलों में दासियां इतर, तेल, फूलों और रसों की मदद से श्रृंगार करती। वहीं उंगली प्रयोग समय के साथ इतना पॉपुलर हो गया कि वो प्रेम रस का एक ऐसा अटूट अंग बन गया जिसको लगभग हर घराने में प्रयोग में लाया गया। स्पर्श, पकड़, जकड़ और खरोंच देने वाली हमारी शक्तिशाली उंगलियां काम उत्तेजना के साथ साथ पार्टनर को कंफर्ट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड और बेझिझक प्यार का इजहार करने में अहम भूमिका अदा करती हैं। वैसे रीति, स्पर्श तो कई हैं, लेकिन कई बार तुम्हें कुछ और भी एहसास करने की चाह होती है ना? हाँ, ये तो एक बहुत नेचुरल सी फिजिकल फीलिंग है। बात को समझो, अगर मैं तुम्हें रोज दाल चावल ही दिन रात खिलाऊं तो तुम बोर नहीं होगे। उसी तरह स्पर्श यानी टच भी अगर अलग अलग तरह से हो तो सेक्स लाइफ एक्टिव रहती है। जी हाँ, और यही इस किताब के अगले चैप्टर का टाइटल भी है, औजार और चुम्बन। Hey, did you know? काम सूत्र के 64 कलाओं में वुडवर्क और मेटलर्जी का खास महत्व था। काम सूत्र, मेटल्स और वुड, अब ये कौन सा अजीब कॉम्बिनेशन हुआ? Well, to be candid, आज के जमाने के मुकाबले काम सूत्र के जमाने में सेक्स ऑब्जेक्ट्स को टबू नहीं समझा जाता था। दरअसल इनके स्पर्श से मिलने के दौरान एक अलग तजुर्बा हासिल करने के लिए किया जाता था। कई बार वन साइज डिड मैटर, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए इनका इस्तेमाल होता था। इनफैक्ट राजा महाराजाओं और बादशाहों के हरम में ये काफी पॉपुलर हुआ करते थे, खास तौर पर जब राजा जंग के लिए राज्य से बाहर हों या एक से ज्यादा पार्टनर्स को वो सेक्सुअली सैटिस्फाई करना चाहते हों। इन औजारों का इस्तेमाल महिलाएं और पुरुष दोनों करते थे। होमोसेक्सुअल कपल्स या उस वक्त जब महिला या पुरुष के सेक्स ड्राइव्स लो होते, इनके इस्तेमाल होने के कई कारण और मकसद हुआ करते थे। ऐसे में काम सूत्र औजारों के इस्तेमाल का सुझाव देता है, जिन्हें हम आज डिल्डोज या सेक्स टॉयज के नाम से भी जानते हैं। शरीर के एरोजिनस जोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए कई आकारों के ये औजार बनाए जाते थे। काम सूत्र में 10 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे महिला को पुरुष सेक्सुअली सैटिस्फाई कर सकते हैं। दरअसल महिला की योनि में 6 ऐसी नसें होती हैं जिनको उत्तेजित करने से महिला को एक इंटेंस सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस होता है। काम सूत्र में हमें ऐसी कई टेक्निक्स बताई गई हैं जिनसे महिला को सहवास के दौरान सेटिस्फैक्शन मिले, जैसे कि उपसृप्ता का, जो कि सबसे सरल तकनीक मानी जाती है, लेकिन इसके असर को एक घोड़े से कंपेयर किया जाता है जो कि एक नहर की लहरों को चीरता हुआ दौड़ रहा है। इसी तरह मंथन भी एक ऐसी टेक्निक है जिसके मूवमेंट्स को उन पंछियों से कंपेयर किया गया है जो समुन्द्र की लहरों के साथ खेलती और उड़ती दिखाई पड़ती है। हुला तकनीक का एहसास ऐसा है जैसे कि कोई पंछी दाना चुगने के लिए गोता लगाता है। वहीं अवमर्दना का मूवमेंट भी हुला तकनीक की तरह ही है, लेकिन इसमें बस फर्क ये है कि इसका एहसास उन पत्थरों जैसा बताया गया है जो कि पानी में फेंके जाने पर तुरंत डूब जाती है। इनके अलावा काम सूत्र में पीड़िता का, निर्घट, वराह घट, वृषा घट और संपुटा तकनीकों का भी वर्णन मिलता है, जिनसे औजारों के इस्तेमाल से महिला को एक इंटेंस ऑर्गेज्म दिया जा सकता है। हर एक मनुष्य का शरीर अलग होता है, इसीलिए हर एक के लिए अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। मकसद सिर्फ इनका इस्तेमाल ही नहीं बल्कि प्रॉपर इस्तेमाल था। सोने, लकड़ी और धातुओं से ये बनाए जाते। सोने के औजार ज्यादती तोहफे होते जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को देता। इसके अलावा फल, सब्जियों और कई प्रकार के तेलों और इत्रों का भी इस्तेमाल किया जाता। कई बार पुरुष जिनके सेक्स ड्राइव लो थे,
वो इनका इस्तेमाल पेनिट्रेशन के लिए करते। लेकिन अमित, ये सब तो एडेड प्लेजर के लिए बने औजार हैं। एक अच्छे रिश्ते के लिए स्पर्श और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली, और इसीलिए किसिंग का भी पुराने जमाने में काफी महत्व है। डिड यू नो किसिंग कैन क्योर हेडेक्स, नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर और न जाने कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं इनके। काम सूत्र में कुल मिलाकर 64 किसिंग के कैटेगरीज बताए गए हैं, जिन्हें जगह, सभ्यताओं और समाज को कंसिडर करके छांटा गया था। जैसे कि कई कबीलों में हाथों को चूमने की प्रथा थी, तो कहीं प्रेमिका एक अच्छा तोहफा अपने प्रेमी से मंगवाने के लिए एक स्पेशल किस उसे देती, जो कि बिना शब्दों का इशारा था। वहीं कुछ जगहों में किसिंग सिर्फ रात के 10 से 3 बजे के बीच ही अलाउड था। किसिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स का ओपनिंग एक्ट है, जिसमें थ्रिल है, ड्रामा है, एक्शन है और एक्साइटमेंट भी है। हमारे होठों और जबान में 112 मांसपेशियां होती हैं, जो कि नर्व एंडिंग से भरी होती हैं। हमारी जीभ भी हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव भाग माना जाता है, इसलिए टेस्ट, टेक्सचर, प्रेशर और टेक्निक, ये सब मिलकर एक इंटेंस फोरप्ले बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसिंग की कला 4 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर द ग्रेट के राज्य में शुरू हुई और पूरब में फैली। भारत में कामसूत्र कई किसेज के प्रकार बताता है, जैसे सम, जब प्रेमी जोड़े आमने सामने होकर एक दूसरे के होठों को चूमते हैं। त्रियक, जब स्त्री या पुरुष तिरछा होकर अपने होठों को गोल करते हुए दूसरे के होठों का चुंबन करते हैं। उद्भ्रांत, जब दूसरों के सिर और ठुड्डी को पकड़कर मुंह को अपनी ओर मोड़कर चूमते हैं। पीड़ितक, सम, त्रियक या उद्भ्रांत में अगर थोड़ी पीड़ा पहुंचाते हुए चुम्बन लिया जाए। शुद्ध पीड़ितक, थोड़ा कष्ट देते हुए चुंबन में केवल होठों का इस्तेमाल। अवलीड पीड़ितक, थोड़ा कष्ट देते हुए चूमने में जीभ की नोक का भी इस्तेमाल। अवपीड़ित, जब दूसरे के नीचे वाले होठ को अंगूठे और तर्जनी उंगली से पकड़कर गोल बनाकर केवल होठों से दबाया जाए। उत्तर चुंबितक, जब स्त्री पुरुष के नीचे वाले होठों को चूम रही हो और पुरुष उसका ऊपर वाला होठ चूम रहा हो। संपुटक, दोनों होठों को अपने दोनों होठों के बीच में दबाकर दांतों से थोड़ा कष्ट पहुंचाते हुए चूमना। मृदु, स्त्री या पुरुष के माथे और आंखों पर प्यार भरा चुंबन। सम, पुरुष के सीने पर लिया जाने वाला चुंबन भी सम कहलाता है। काम सूत्र कहता है कि चुंबन में जादुई ताकत होती है। कहने का मतलब यह है कि किसिंग एक ऐसा एहसास है जो स्पर्श से ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग तो कंट्रोल करता है, इससे हार्ट बीट भी ऑप्टिमम रहती है और ये कैलोरीज भी बर्न करता है। हर एक कपल अपने हिसाब से, कंफर्ट लेवल से और कुछ नया ट्राई करने के जज्बे से अपनी ही किसेस इजाद कर सकता है। हर मनुष्य का शरीर अलग होता है और इसलिए किसिंग सिर्फ एक फिजिकल शुरुआत ही नहीं, बल्कि प्यार जताने, आपस में विश्वास बढ़ाने, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। किसिंग सिर्फ सेक्सुअल एक्ट नहीं है। माथे पर जब हम अपने पार्टनर को किस करते हैं तो वो उसे इज्जत देने का एक ढंग है। वहीं कई सभ्यताओं में हाथों को चूमकर कृतज्ञता का इजहार किया जाता है। बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देकर हमारा सर चूमते हैं। अपने पार्टनर के साथ शेयर किया वो पहला पैशनेट किस हम भूले नहीं भूलते। ओवरऑल ये हमारे प्यार, हेल्थ और हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। भारत के इतिहास में मिलन को सिर्फ दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का एक होना बताया गया है। कई चित्रों, मूर्तियों, मुद्राओं, कलाओं और लेखों में चुंबन और उत्तेजना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग औजारों का वर्णन मिलता है। इन सब का मकसद था प्रेम रस को समझना और उसे एक फिजिकल एक्सचेंज के अलावा एक स्पिरिचुअल और होलिस्टिक हीलिंग एक्सचेंज की तरह दर्शाना। इसीलिए भारत के लगभग हर प्रांत और सभ्यताओं में इसे मान्यता दी गई है और इसकी पूजा भी की गई है। बदलते समझ के साथ इसका पब्लिक डिपिक्शन या पोर्ट्रेयल कम हो गया और ये एक ज्याती तजुर्बा बनकर रह गया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि किसिंग को ओरल सेक्स और टैबू सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाने लगा। जहां एक तरफ ओरल सेक्स के तरीकों, तकनीकों और प्रकारों का वर्णन भी हमें कामसूत्र में मिलता है, वहीं हाइजीन और हेल्थ फैक्टर्स पर भी सवाल उठाए गए हैं। कामसूत्र में ओरल सेक्स के कई पोजीशंस और टेक्निक्स बताए गए हैं, जैसे निमित्त, पार्श्व तो दष्टा, बहि संधानसह, अंतः संधश, चुंबिका, परिमृषतका, अमरचुत्सिता, संगारा,
सूची, प्रतति और वाकली, जो कि जीभ, दांत और होठों के इस्तेमाल से महिला के योनि को उत्तेजित करने में बहुत असरदार होते हैं। ये सब तो काफी एक्साइटिंग साउंड कर रहा है, लेकिन जानते हो कि एक अच्छी सेक्स लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? एक अच्छा मुलायम बेड। नहीं बुद्धू, मूड। अरे मूड के बारे में मुझे मत बताओ, इस मामले में अगर मैन आर फ्रॉम मार्स तो वुमेन आर फ्रॉम वीनस। वीनस नहीं, मून। हम लड़कियों का चांद से बहुत पुराना रिश्ता है सर। जब भी मिलन की सेज सजती थी तो रानी महारानियां रात के आसमान में चमकते हुए चांद से अपने राज बयां किया करती थी। यस, समुंदर की लहरों से लेकर तुम्हारे मूड तक ये चांद तो न जाने कितने जज्बात खोल देता है। मूड की जहाँ बात निकली है तो तुमने ये तो सुना होगा ना रीति, कि चांद की वजह से ही समंदर में लहरें बनती हैं। ऑफ कोर्स, ये दोनों चांद और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एनर्जीज के एक दूसरे के फ्यूजन से होता है। एग्जैक्टली, और सिर्फ समंदर की लहरें ही नहीं बल्कि लूनर कैलेंडर के हिसाब से हम एक दूसरे का मूड भी जान सकते हैं, खासकर मिलन के समय। काम सूत्र हमें बताता है कि चंद्रमा के अलग अलग फेजेस हमारे शरीर के अलग अलग एरोजेनस जोन्स को टाइम के मुताबिक शिफ्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चांद के हर एक फेज के हिसाब से अपना ही जी स्पॉट होता है। कहने का मतलब ये कि चंद्रकला या चांद के फेजेस के मुताबिक महिला और पुरुष ये जान सकते हैं कि कब, कैसे और कहां वो शारीरिक प्लेजर पा सकते हैं। पुराणों के मुताबिक चंद्रकलाओं का उल्लेख पहली बार 4th century में भाभ्रव्य नाम के मुनि ने किया था। उनका मानना था कि हर रात चांद के एक अलग कला के मुताबिक हमारे शरीर के अलग अलग एरोजिनस जोन्स एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने अपने लेख में चांद के सभी फेजेस, ग्रेविटेशनल पुल और पृथ्वी से नजदीकी या दूरी के हिसाब से रात्रि को 4 भागों में बांटा। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह अलग अलग कमाश यानी कि टेम्परामेंट्स के लोग किस तरह चंद्र कलाओं से इफेक्ट होते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से ये एक कमाल का लेख है। बदकिस्मती से आज ये लेख इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है, लेकिन इसका कुछ ज्ञान आज भी हम तक पहुंचता है। महीने के 30 या 31 दिनों के हिसाब से इस लेख में कुल मिलाकर 30 चंद्रकलाओं का वर्णन किया गया है और इनके मुताबिक मनुष्य के शरीर को 30 एरोजिनस जोन्स में बांटा गया है, 15 दाएं और 15 बाएं हिस्से में। ऐसा बताया गया है कि सेक्सुअल उत्तेजना या अराउजल सबसे अहम हिस्सा सर पर होता है। महिलाओं और पुरुषों में 15 दिन बाएं पैर के अंगूठे से शुरू होकर माथे तक ये गुजरता है और फिर वापस माथे से अंगूठे तक वापस पहुंचता है। इस टॉपिक पर मिले ज्यादातर लेख महिलाओं के लिए हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए उत्तेजना एक विजुअल एक्सपीरियंस होता है और महिलाओं के लिए एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। चंद्र कलाओं के मुताबिक पहले दिन महिला का माथा और बाल सबसे उत्तेजित होते हैं, दूसरे दिन आंखें, तीसरे दिन होंठ, चौथे दिन गाल, पांचवें दिन पुरुषों के लिए आराम का दिन बताया गया है, क्योंकि इस दिन पुरुष को महिलाओं को उत्तेजित करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि महिला की खुद की उत्तेजना ही उसे प्लेजर देने के लिए काफी होती है। छठे दिन गर्दन, सातवें दिन कमर, आठवें और नौवें दिन छाती, दसवें दिन नाभि, ग्यारहवें दिन पुष्ट, बारहवें दिन घुटने, तेरहवें दिन एड़ी, चौदहवें दिन पैर और पंद्रहवें दिन पैर की अंगूठी उत्तेजित होती है। ये तो बेसिक लिस्ट है। स्पेसिफिक्स की बात की जाए तो रात के दूसरे हिस्से में माना गया है कि महिलाओं की उत्तेजना सबसे पीक पर होती है। एक प्लेजरफुल सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए ये वक्त परफेक्ट बताया गया है। इसी दौरान टेक्निक्स के जरिए शरीर के किसी भी एरोजेनस जोन्स को सबसे अच्छी तरह से स्टिम्युलेट किया जा सकता है। माथा, आंखें, गाल, कंधे, पीठ, नाभि, जंघा, पुष्ट, छाती, गर्दन और योनि में मौजूद नसों को पूरी तरह से स्टिम्युलेट किया जा सकता है। जयदेव का लिखा रति मंजरी ये बताता है कि जब शरीर के एरोजेनस दाएं से बाएं बदलते हैं, उसके मुताबिक सेक्सुअल पोजीशंस और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दिन लपानिका सुख सप्तती के अनुसार चंद्र लेखों को महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल और न कि ल्यूनर साइकिल के अनुसार छांटना चाहिए। नंदीकेश्वर रति रहस्य में कहते हैं कि चूमना, काटना, खरोंचना मंत्रों के ध्वनि के साथ किया जाना चाहिए, ताकि शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर एरोजिनस जोन्स को पूरी तरह स्टिमुलेट किया जा सके। चंद्रकलाओं का सबसे अच्छा उल्लेख हमें गोणिका पुत्र में मिलता है, जो कि चंद्रमा के अंतिम कला पर आधारित है। ये खास तौर पर उन महिलाओं के लिए केंद्रित है
जो रात्रि के अंतिम काल में मिलन करना चाहें। पश्चिमी विज्ञान के अनुसार भी मनुष्य का शरीर सबसे ज्यादा सेक्सुअली अराउज्ड इसी दर में आता है, जिसे ट्विलिंग्स भी कहते हैं। इस लेख के अनुसार शरीर के एक अंग के बजाय अलग अलग अंग एक साथ उत्तेजित होते हैं, जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट को चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। काम सूत्र जहाँ सेक्सुअल एक्सपीरियंस को फुलफिलिंग बनाने पर ध्यान देता है, वहीं गोने का पुत्र इसमें वैरायटी जोड़ने का काम करता है। दोनों में फर्क काम करने और उसको अलग अलग तरीके से करने का है। ये बात तो आज जग जाहिर है कि शरीर के कई हिस्से हमेशा उत्तेजित होने के लिए तैयार होते हैं। चंद्रकलाओं का मकसद इन एरोजिनस जोन्स के अलावा और जोन्स को एक्टिवेट करने पर केंद्रित लगता है। यहाँ एक बात का ख्याल रखना जरूरी भी है कि किसी भी चीज को रिपीट करने से, यानी कि बार बार करने से उसकी नॉवल्टी या मजा किरकिरा हो जाता है। इसीलिए सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को हमेशा फिजिकल प्लेजर के साथ साथ साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की तरह भी देखना चाहिए। इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार हम एक्सपेरिमेंट करने से डरते और झिझकते हैं। हम जीवन का सबसे मजबूत रिश्ता अपने साथी के साथ निभाते हैं, जिसमें विश्वास, सपोर्ट और टीम वर्क अहम हिस्सा है। अपने साथी के साथ चंद्रकलाओं के मुताबिक प्रेम रस अपनाना आपकी झिझक और डर दोनों को दूर कर सकता है। गुड पॉइंट। पुराने जमाने से आज तक मानव शरीर को एक मंदिर बताया गया है। इससे हम जिस तरह बर्ताव करेंगे वो उसी तरह रेस्पोंड करेगी। कहने का मतलब ये है कि हर एक शरीर अलग होता है और हर एक कपल के अपने प्यार जताने के तौर तरीके। इनको ध्यान में रखते हुए, पार्टनर के कम्फर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए और उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की मंशा से फिजिकल प्लेजर पाने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जैक्टली। कुछ कपल्स कडल करना पसंद करते हैं तो कुछ लेवल आगे बढ़कर लव बाइट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये भी तो बॉडी लैंग्वेज ही है। तुम्हारे मिजाज कुछ बदल नहीं रहे। तुम तो काटने को दौड़ती हो यार, मैं तो बात बॉडी लैंग्वेज की कर रहा था। तुम तो काटने को दौड़ती हो रही थी। Get it? Don't be naughty, okay? अरे ये मैं नहीं कह रहा। देखो, जैसे समंदर की लहरों में उफान चढ़ता है, वैसे ही दो लवर्स के बीच में कई ऐसे जज्बात, प्यार जताने के तरीके और पर्सनल टचेस होते हैं जो उनके इंटीमेट एक्सपीरियंस को सैटिस्फाइंग, प्लेजरेबल और फुलफिलिंग बनाते हैं। जैसे कि वेल, लव बाइट्स। काम सूत्र में वात्स्यायन भी ये कहते हैं कि मिलन के सभी एहसासों में लव बाइट्स सबसे असरदार और सबसे पर्सनल होते हैं, क्योंकि इसमें कपल्स फिजिकली और स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रेम और मिलन की कलाओं में प्रलोभन यानी कि फोर प्ले और सिडक्शन के बारे में उल्लेख करते वक्त सबसे ज्यादा समय इसके शब्दकोश को बनाने में लग गया। कौन सा बाइट शरीर के किस अंग के लिए खास तौर पर असर करता है, इस पर काफी बहस भी छिड़ जाती है। काम सूत्र लव बाइट्स को उन 64 कलाओं में गिनता है जो वात्स्यायन के हिसाब से सबको सीखना चाहिए। सेंसुअल प्लेजर के अलावा समाज में ये निशा ये दर्शाते हैं कि कोई महिला या पुरुष एक संबंध में है और अवेलेबल नहीं है। यही नहीं, इस कला की खास बात ये थी कि हर एक जोड़ी अपनी एक ज्ञाती भाषा इजाद कर सकते थे और अपने जज्बात बिना कुछ कहे, शब्द के बिना ही बयान कर सकते थे। जैसे कि मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, मैं मिलन के लिए राजी हूँ, इत्यादि। तो क्या अलग अलग ओकेजंस के लिए अलग अलग बाइट्स होती थी? फॉर इंस्टेंस, अगर प्रेमी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है तो उसके लिए भी वो अपनी प्रेमिका के लिए एक निशान छोड़ जाता था जो उसे उसकी याद दिलाती और उससे मिलने के लिए बेताब करती। कहीं ये लव बाइट्स दर्दनाक तो नहीं होती थी? इनकी हमेशा कोई ना कोई वजह होती थी और बुरे दर्दनाक बाइट्स को एक तौहीन माना जाता था। पहला कायदा ये था कि महिला और पुरुष दोनों के ही दांत अच्छे होने चाहिए। ये एक दिलचस्प बात है कि काम सूत्र के जमाने में मसूड़ों को काला करने का ट्रेंड था, क्योंकि पान सुपारी का सेवन आज की ही तरह उस जमाने में भी हॉट था। इसीलिए दांतों को सफेद दिखाने के लिए ये किया जाता। तदहे मेढ़े टूटे दांतों को इस कला के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। इसके बाद दूसरा कायदा था कि शरीर के किस हिस्से में ये निशान दिए जा सकते हैं। अलग अलग जगहों और अलग अलग प्रथाओं के मुताबिक ये बदलती रहती थी। ज्यादातर आँखों, जीभ और पलकों को छोड़कर इसे कहीं भी आजमाया जा सकता था। रीति, जानती हो, वात्स्यायन इस बात पर जोर देते थे कि लव बाइट्स प्यार इजहार करने की एक कला तक सीमित रहनी चाहिए और इससे महिला या पुरुष को दर्द या तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
कामसूत्र में ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां ठीक इस कला का उपयोग न करने से क्या खतरा हो सकता है। इसलिए हर एक लव बाइट की अपनी एक हद और कायदे होते थे, कितनी जोर से, कहां और कैसे इसे करना चाहिए। कामसूत्र में ये भी बताया गया है कि इसमें जल्दबाजी या उतावलापन नहीं करना चाहिए। कामसूत्र में 10 तरह के लव बाइट्स का जिक्र मिलता है। गुड़का को होठों पर, प्रवाल मणि और मणिमाला शरीर पर छोटे लाल निशान करते, जो कि अक्सर गाल या कान पर दिए जाते। खंड बरखा लंबी जुदाई के बाद मिलन की रात का मजा दर्शाता था। वराह चर्विता उन लोगों के लिए था जिनका सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा था। इस तरह के और भी बाइट्स का जिक्र वात्स्यायन करते हैं, जो अलग अलग तरह से महिला या पुरुष को एक्सटेसी की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता। हर एक बाइट एक अलग पैगाम भेजता, जो कि मिलन को यादगार बना देता। लव बाइट्स ये इशारा करते कि समाज में कोई पुरुष या महिला का मिलन हो चुका है। प्रेमिका को अपने प्रेमी के शरीर पर निशान देखकर खुशी होती, लेकिन वो अक्सर गुस्सा दिखती, ये कहकर कि जरूर उसके अलावा किसी और ने उसके प्रेमी को ये निशान दिए हैं। ये एक नटखट फ्लर्टिंग होती थी जो दोनों के बीच प्रेम रस को जगाए रखती थी। वैसे तुमने वो गुलदस्ता देखा, उसमें 10 फूल हैं, जिनमें से 4 पीले हैं, हर एक में 3-3 दांतों के निशान हैं। तो तुम भी? जी हाँ, मैंने भी ये किताब पढ़नी शुरू कर दी है। शारीरिक आनंद के लिए जहाँ लव बाइट्स एक अहम किरदार अदा करते थे, वहीं शरीर के एरोटिक नर्व्स की जानकारी रखना भी प्रेम रस का उतना ही अहम हिस्सा है। पौराणिक लेखों के मुताबिक मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर कुछ 24 ऐसी नसें दौड़ती हैं, जिन्हें एरोजिनस जोन्स भी कहा जाता है। इनमें पलकें, गाल, कमर का निचला हिस्सा और कलाई शामिल हैं। पुरुष और महिलाओं दोनों के शरीरों में ये जोन्स अलग अलग हिस्सों में शामिल होते हैं। जानती हो रीति, कामसूत्र में इन जोन्स को बड़े दिलचस्प तरीके से छांटा गया है। ये शरीर में उनके लोकेशन की बजाय उन्हें कैसे स्टिमुलेट किया जा सकता है, इससे छांटा गया है। देवदत्त शास्त्री के अनुसार हमारे होठों में एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो नसों को स्टिम्युलेट करता है। ऐसा बताया गया है कि होठों के जरिए स्टिम्युलेट किए जाने वाली नसें 2 आंखों में, एक निचले होंठ में और एक बाएं पैर के अंगूठे में होती है। पैर के अंगूठे खासकर सेक्सुअल अराउजल के प्रतीक होते थे। प्रेमिका अपने प्रेमी को देखकर अपने बाएं पैर का अंगूठा अपने दाएं पैर के नीचे दबा देती। होठों के बाद खरोंचों से भी एरोजिनस जोन्स को स्टिम्युलेट किया जा सकता है। इस तरीके से अराउज किए जाने वाली नसें माथे, जांघों और कमर के निचले हिस्से में होती हैं। इन्हें उत्तेजित करने के लिए नाखून का इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह शरीर के अलग अलग एरोजिनस जोन्स को स्टिम्युलेट करने के लिए हाथों, उंगलियों, नाखूनों, होठों और जीभ का प्रयोग होता। महिलाएं इस एहसास को और प्लेजरेबल बनाने के लिए शरीर के अंगों में ज्वेलरी पहनती, जैसे कि होठों और नाभि में। कामसूत्र के मुताबिक 24 एरोजिनस जोन्स के अलावा महिलाओं के शरीर में 6 और ऐसी नसें होती हैं जो उन्हें प्लेजर का एहसास देती हैं। इन्हें सती, असती, सुभगा, दुर्भगा, पुत्रिणी और दुहित्रिणी के नाम दिए गए हैं। सुभगा नस का स्टिमुलेशन महिला शरीर में शांति का एहसास दिलाता, इससे उसका बदन चमकने लगता। वहीं दुर्भगा महिला को उत्तेजित करता। पुत्रिणी और दुस्त्रिणी नसों का स्टिमुलेशन महिला को गर्भवती बनाने के लिए किया जाता। सती और असती नसों का स्टिमुलेशन महिला के स्वभाव के अनुसार होता। मिलन के दौरान महिला को शांत या उत्तेजित करने के लिए इन्हें अपनाया जाता। ऐसा बताया गया है कि सती नस की उत्तेजना अबॉर्शन करने में काम आती है। हमारे बॉडी के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां प्राकृतिक तौर से बाल होते या नहीं होते। इसकी मेंटेनेंस के लिए भी कामसूत्र के समय कुछ कायदे हुआ करते थे। अलग अलग हिस्से के अलग अलग थे। बालों के अलावा शरीर पर मोल्स या मस्से भी कई इशारे देते थे। मोल्स नर्व एंडिंग्स होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि किसी शरीर के अंग को किस टेक्निक से स्टिम्युलेट किया जा सकता है। कहा जाता है महिलाएं जानबूझकर श्रृंगार के समय अपने गालों पर एक काला मस्सा लगाती, जो कि मिलन का प्रतीक था। स्टिम्युलेशन के फिजिकल तकनीकों के अलावा ध्वनि का भी उपयोग नसों को उत्तेजित करने के लिए होता। इसके लिए मंत्रों का इस्तेमाल होता। भारत में सदियों से किसी भी कर्म को प्रारंभ करने के लिए शुभ मंत्रों का जाप एक जानी मानी प्रथा है। सेक्सुअल स्टिम्युलेशन के दौरान भी साउंड वाइब्रेशंस के जरिए नसों को अराउज किया जाता।
ऐसा माना जाता है कि कामसूत्र के 5 बाणों में से एक फूलों की माला है जो मंत्रों से बांधी गई है। पौराणिक कथाओं, ग्रंथों और लेखों में बताए गए तकनीक में कई प्रेम रस को और प्लेजरेबल बनाने के लिए उपयोग किए गए हैं। इनका मकसद प्रेमिकाओं के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक आलिंगन को और बढ़ाने के लिए हुआ है। तुम ये जानकर सरप्राइज्ड हो जाओगी कि कामदेव के 5 बाण AEIOU वावल से बने हैं, जो कि शरीर के अलग अलग अंगों को उत्तेजित करने के लिए हैं। ए दिल, ई माथे, आई छाती, ओ योनि और उ आंखों में उपस्थित नसों के लिए। इसके अलावा ऐसे और भी मंत्र थे जैसे कि हनक्षयम, जो कि पुरुष अपनी प्रेमिका या पत्नी की सुरक्षा उस समय करे जब वो दोनों कुछ समय के लिए जुदा हों। ब्ली ध्वनि शरीर के सभी नसों को उत्तेजित करने में सक्षम मानी जाती थी, क्योंकि इसे सूरज की पहली किरण की ऊर्जा माना जाता था। भारतीय विज्ञान और ज्ञान की दाद देनी पड़ेगी। साउंड वाइब्रेशंस, मंत्र, ध्वनि, एरोजिनस जोन्स की समझ, तकनीक और प्रक्रिया। मुझे कभी नहीं पता था कि लव मेकिंग भी एक स्किल है। इस कला में तो काफी महारत चाहिए। अच्छा, पता है रीति, तुम्हारे बारे में मुझे सबसे पहले कौन सी बात अच्छी लगी? मुझे बहुत पसंद है जब तुम मेरी तारीफ करते हो। चलो शुरू हो जाओ। मेरी आँखें, मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरी फिगर, मेरी हाइट, मेरा फैशन सेंस। जी नहीं मैडम, आपकी खुशबू। मेरी खुशबू? ओ, तुम्हारा मतलब वो फ्रेग्रेंस जो मैं यूज करती हूँ। नहीं स्वीट हार्ट, आपकी नेचुरल खुशबू, जो कि आप फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल से और बढ़ा देती हैं। कामसूत्र में पता है खुशबू का कितना महत्व है? प्यार की खुशबू, स्ट्रेंज टाइटल, चलो पढ़ते हैं। वो फिल्मों में कहते हैं ना, मुझे उसकी खुशबू ने दीवाना बना दिया। उसकी केसुओं की सुगंध उसे उसके पीछे खींच लाई। हम में से हर किसी ने यह डायलॉग कहीं ना कहीं सुना, पढ़ा या देखा होगा। बात सच है, न जाने कितने हजारों सालों से इंसान पेड़ पत्तों, फूलों और यहाँ तक कि कुछ जानवरों की खुशबुओं को इस्तेमाल कर अपने प्यार का इजहार करता आ रहा है। औरत और मर्द दोनों ही ने मदर नेचर के दिए हुए इस तोहफे के जरिए न जाने कितनी लव स्टोरीज लिखी हैं। वात्स्यायन के काम सूत्र में भी सुगंधों, खुशबुओं और इत्रों के बारे में खास जिक्र मिलता है, और एक हेल्दी और प्लेजरेबल सेक्स लाइफ मेंटेन करने में इनके अहम किरदार को बताया गया है। इतिहास में जब क्लियोपेट्रा मार्क एंटनी से मिलने निकली तो उसने पहले अपनी पूरी कश्ती में इत्र लगवाया, ताकि हवाएं भी उसकी मोहब्बत और जुनून का संदेशा चारों दिशाओं में फैला दें। हम में से आज कई फ्रेग्रेंसेस और परफ्यूम्स के शौकीन हैं, और कुछ खुशबुएं ऐसी होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती हैं। किसी को स्पाइसी फ्रेग्रेंस पसंद है तो किसी को फ्लोरल, किसी को फ्रूटी तो किसी को मेटालिक। दरअसल हम किसी को भी सबसे पहले उसकी खुशबू से ही पहचानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आप एक अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं और अचानक दरवाज़ा खुलता है और एक ठंडी हवा के झोंके के साथ खुशबू की एक तरोताज़ा लहर कमरे में दाखिल हो जाती है और आपका पूरा ध्यान वो अपनी तरफ खींच लेती है। जब आप आंखें उठाकर देखते हैं तो सामने आपकी चहेती या चहेता इंसान खड़ा या खड़ी होती है। उस इंसान को आप उसी खुशबू से पहचान जाते हैं। फिर चाहे आप ऑफिस में बैठे हों, शॉपिंग मॉल में हों, घर पर हों या मूवी थिएटर में, दरअसल खुशबू इंसान की खास पहचान बन जाती है जो आपको किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट करती है। इतिहास में जाकर देखें तो भारत में इत्र बनाने की कला हजारों सालों से चली आ रही है। ये एक बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, जिसमें जिस्म के हर एक अंग के लिए अलग अलग खुशबुएं बनाई जाती थीं। सिडक्शन या प्रलोभन को और मज़ेदार बनाने के लिए फूलों, पत्तियों और तत्वों का इस्तेमाल किया जाता था। फोरप्ले के दौरान तेल में घुले इत्र को पार्टनर्स अपने शरीर पर मलते थे, जिससे सिडक्शन एक फिजिकल स्टेज से उठकर एक थेरेप्यूटिक और स्पिरिचुअली स्टिमुलेंट एक्सपीरियंस, यानी कि दिलो दिमाग और जिस्म के सारे जज्बातों को जगा देने वाला अनुभव बन जाता था। मिलन की रात से पहले औरतें इत्र में घुले पानी से नहाती और अलग अलग खुशबुओं से श्रृंगार करती। वाह, मुझे तो सोचते हुए ही एक्साइटमेंट हो रही है। मैं फ्रेग्रेंस इस्तेमाल तो करता हूँ, लेकिन सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं। लेकिन भारत में तो इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाता था। वेरी इंटरेस्टिंग। वात्स्यायन के कामसूत्र के मुताबिक महिलाएं अपने बालों में कई तरह के इत्र लगाती और अपने प्रेमी को लुभाती और रिझाती। कभी वो बदन पर खुशबू लगाकर झाड़ियों में छुपकर अपने प्रेमी को सताती, तो कभी मिलन की रात अपने साथी के बदन पर इत्र मलकर उसे पागल बनाती। जैसे कि खस, जिसकी खुशबू उस पहली बारिश की तरह होती है जो किसी को भी लुभा देने के लिए काफ़ी है। औरतें इसे अपने बालों में नहाते वक्त लगाती और बालों का बन बनाकर बांध लेती। शाम होते होते खुशबू बालों में समा जाती
और मिलन की रात बाल खोलने पर अपने प्रेमी पर वो प्यार की खुशबू बरसा देती। गर्दन पर गुलाब चंपा जैसे फूलों से बनाए गए इत्र का इस्तेमाल होता था। चंपा ऐसी खुशबू थी जो प्यारी थी और प्रेमी को पास आने का न्योता देती। सिर्फ भारत में ही नहीं, 18वीं सदी के दौरान फ्रांस में भी चंपा की खुशबू औरतें शाम को लगाकर ग्राहक ढूंढती। लेकिन इसका ये नतीजा निकला कि रईस औरतों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया, क्योंकि ये खुशबू शहर के चकलों और रेड लाइट एरियाज में काफ़ी मशहूर हो गई थी। औरतें अपनी छाती पर केसर और लौंग से बने इत्र को लगाती थी, जो कि एक बेहतरीन खुशबू होने के साथ साथ उनके बदन को चमका भी देती। कमर पर आकुंड फूल के इत्र का इस्तेमाल होता था। भारतीय पौराणिक कथाओं में आकुंड फूल को कामदेव के 5 तीरों में से एक बताया गया है, जिसकी खुशबू से सूंघने वाला या नारी बेहतरीन ऑर्गेजम्स का लुत्फ उठाते। प्रलोभन में हाथों और खासकर की फिंगर टिप्स का बहुत महत्व है। किसी के स्पर्श से हमारे कई जज्बात जग जाते हैं, इसलिए कंधे से लेकर उंगलियों तक हाथों को इत्र से सजाया जाता था। बदन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हाथों पर काले या रंगीन चित्र बनाए जाते थे। महिला की कांख यानी कि अंडरआर्म्स को एक बहुत जरूरी एरोजेनस जोन माना जाता है। इसे स्टिम्युलेट करने से सेक्सुअल अराउजल होता है और इसलिए बदन के इस हिस्से के लिए भी खास इत्रों, खुशबुओं और पाउडर्स का इस्तेमाल रेकमेंड किया जाता है। पीठ पर चंदन लगाया जाता था। अपने साथी को लुभाने और उसे रिझाने के लिए किसी तल या नस तक चंदन को लगाया जाता था, ताकि उसके स्पर्श के एहसास का पूरा मजा एक महिला उठा सके। मुंह के दुर्गंधों को दूर करने के लिए माउथ वॉश सिर्फ हाल ही का उपाय नहीं है। सर्दियों पहले भी सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, कपूर इन सब का इस्तेमाल होता था, जिससे होठों का स्पर्श खुशबूदार और मजेदार हो सके। नींबू के पेड़ की टहनी से दंत मंजन होता था और काम सूत्र में ये सुझाव दिया गया है कि मिलन से पहले दोनों साथी मुंह को अच्छी तरह साफ और सुगंधित कर लें। इसके लिए काम सूत्र में सुगंधित बीड़ियों के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। धुएं के जरिए मिलन के दौरान खुशबू न सिर्फ प्रेमी की जुबान को तरोताजा करती थी, बल्कि उसे सेक्सुअली भी स्टिम्युलेट करने में काम आती थी। पुराने जमाने में इत्र रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था और न कि आज की तरह किसी स्पेशल इवेंट के लिए लग्जरी। मिलन से पहले न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी अपने बदन पर अलग अलग इत्रों और खुशबूदार पदार्थों को मलते, जिसमें कभी कभी तो 2 घंटे तक लग जाते थे। कई तरह के खुशबूदार तेल, बारीक किए हुए सूखे फूल पत्तियाँ इसमें शामिल होती। पुरुष फूलों की मालाएं भी अपने गलों में पहनते और कई बार अपने प्रेमिका के पसंदीदा फूलों का हार भी वो अपने हाथों में बांधते। चंपा, गुलाब, चमेली और कई तरह के फूलों का इस्तेमाल प्रेमिका को रिझाने में होता। मिलन की रात को पुरुष गेंदे का फूल पहनते, जिसकी खासियत तो ये थी कि प्यार करते या गले लगते वक्त वो टूट कर गिर नहीं जाती थी। भारत में हजारों तरह के इत्र बनते थे और दुनिया भर में इनकी खरीदारी होती थी। कई व्यापारी समुन्दर पार कर यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका के बाजारों में भारतीय इत्रों का व्यापार करते। इनमें केसर, चंदन, नींबू, चंपा, जूही, कालुका और गोरोचना जैसे इत्र काफ़ी मशहूर थे, क्योंकि ये महिला के बदन की खुशबू की याद दिलाते थे। और यही वजह है कि यही पुरानी तकनीक आज भी परफ्यूम बनाने वाली कंपनीज अपनाती हैं। इत्र महिला और पुरुष दोनों के ही श्रृंगार का एक अहम हिस्सा था, जो कि सेक्सुअल स्टिम्युलेशन, फीलिंग और ऑर्गेज्म को अराउज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। महिला और पुरुष दोनों को ही उस जमाने में इत्रों का बहुत इल्म था। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र लिखने वाले कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ में इत्र पर एक पूरा अध्याय लिखा है। वाओ, दिस इज आई ओपनिंग। मैं रोज रीति को फूलों का बुके देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इत्रों और खुशबुओं को इस्तेमाल करने के इतने अलग अलग तरीके होते हैं। ये किताब तो मुझे अपने पास रखनी चाहिए। न जाने संरक्षण के और कौन कौन से राज छुपे हुए हों इसमें। घर पर अमित को किताब पढ़ता देख रीति उसके पास आई। क्या हो रहा है अमित? You know, रीति, किसी महान लेखक ने कहा है कि परफ्यूम या खुशबू इज लाइक सेक्सीनेस इन अ बॉटल। मतलब? अब जिस तरह 2 रंगों को मिलाकर एक नया रंग बन जाता है, वैसे ही खुशबुओं का मिलना प्यार में नए जज्बात और रंग भर देता है। हमें इसे और इस्तेमाल करना चाहिए, यू नो, व्हाइल मेकिंग लव, फ्लर्टिंग। तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम? उत्तर, परफ्यूम्ड नेचुरल ऑयल्स, हर्ब्स, फूल, कुछ भी जो एक अच्छे सेक्सुअल एक्सपीरियंस को अनफॉरगेटेबल बना दे, जैसे कि मस्क अतर। क्या तुम जानती थी रीति कि खस इंडिया में 3000 साल से बनाया जा रहा है? और कमाल की बात तो है कि सेम टेक्निक से भी कन्नौज के इत्र व्यापारी आज तक इसे दुनिया भर में बेचते हैं। इसे लगाते कहाँ पर है, बालों में या बदन पर? कहते हैं कि इसे अपने तकिए पर लगाना चाहिए। बदन के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग इत्र और खुशबुएं होती हैं। आखिर वो तुम्हारी खुशबू ही तो थी ज
जिसने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया था, याद है? क्यों, आपके इशारे किस तरफ है जनाब? वो सुना है ना, समझदार को इशारा काफी। उसी तरह प्यार का इजहार करने और इश्क फरमाने वालों के बीच कई ऐसे इशारे हुआ करते थे जो कि अलग अलग सिग्नल्स दिया करते थे, जैसे कि बूटी कॉल, आई वांट यू नाउ, मुझे तुम पसंद हो, मिलन की रात करीब है, समझ गई ना? अमित, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? Can you guess? तुम कुछ बोलोगे नहीं तो समझूंगी कैसे? पिछले 10 मिनट से तुम मेरी तरफ आंखों से अजीब एक्सप्रेशंस बना के इशारे कर रहे हो। तुम सचमुच मेरे इशारे नहीं समझी रही थी? Let me guess, तुम्हें कॉफी चाहिए? Oh God, नहीं, बुद्धूराम, वात्स्यायन के कामसूत्र में ये कहा गया है कि दो प्रेमियों को अपने जज्बात जाहिर करने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता। अच्छा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं, तो इसका इजहार तुम कैसे करोगी? अरे तुम शर्मा क्यों गई? पुराने जमाने में समाज में किसी को मिलन का इजहार करने के लिए महिला अपनी कमर में घंटियां पहनती थी, जिनके बजने का मतलब था कि दो प्रेमियों का मिलन हो रहा है। प्रेमिका के बिखरे हुए बाल, उसके मस्तिष्क की शिकन, उसकी भारी सांसें और उनके साथ घंटियों का बजना इस बात का इशारा करता था कि द वुमेन इन द कंट्रोल। काम सूत्र में 64 ऐसे स्किल्स बताए गए हैं जो कि समाज में एक इंसान के खुशहाल जीवन के लिए जरूरी होते हैं। वात्स्यायन अध्याय की शुरुआत पुरुषों के लिए एक चेतावनी के साथ करते हैं कि एक नौजवान पुरुष भले ही कितना भी खूबसूरत, शक्तिशाली और बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर उसे इन 64 कलाओं का ज्ञान नहीं है तो वो प्रेम और मिलन का सुख पूरी तरह से नहीं भोग सकता। पुराने जमाने में समाज में प्रेमिका द्वारा छोड़ दिए जाने वाले पुरुष को नीचा माना जाता था, इसीलिए कामसूत्र ने इन 64 कलाओं का अध्ययन आवश्यक बताया है। रीति, उस जमाने में कागज और कलम तो होते नहीं, इसलिए अपने शरीर से ही इशारों, मुद्राओं से जज्बातों का इजहार होता था। मजे की बात यह है कि ये मुद्राएं सिर्फ एक जोड़ी के बीच एक्सक्लूसिव नहीं थी, बल्कि उन्हें ऐसे बनाया गया था ताकि कोई भी कहीं भी इनका मतलब साफ साफ समझ जाए। जरा सोच के देखो, अपनी बात कहने के लिए कितने शब्दों और भावनाओं का इस्तेमाल होता है, इन्हें इशारों और मुद्राओं में ढालना कितना मुश्किल हुआ होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा एग्जाम्पल देकर समझाओ ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कमल का फूल माथे पर रखने का मतलब होता था चरण कमल या कमल जैसे पांव। एक पुरुष महिला के पद अपने माथे पर तभी रखता था जब उसका मिलन हो चुका हो। जब उस सज्जन ने सजनी को देखकर कमल का फूल अपने माथे से लगाया, वो इशारों से उसे रात को मिलने का न्योता दे रहा था। जवाब में सजनी अपने अंगूठी में उस सज्जन की प्रतिमा लिए उसे सीने से लगा लेती है, जो उसकी मंजूरी दर्शाता है। प्रेमियों का मन एक दूसरे से कभी नहीं भरता, और इशारों का भी कुछ यही हिसाब है। शरीर के अंगों से लेकर खाने पीने की चीजों तक, जैसे कि सुपारी और कत्था, प्रेमी की आस और प्यार को दर्शाते थे। मिलन के इशारे इलायची, दालचीनी और लौंग देकर किए जाते थे। ठोस बांस प्रेमी की उत्तेजना यानी कि इरेक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता था। अंगूर प्रेमिका के मिलन के लिए बेचैनी, और संतोल या रुई ये कहते थे कि मैं तुम्हारी हूँ। जीरे का मतलब होता था कि मैं तुम्हें अपना जीवन सौंपती हूँ। वहीं हल्दी ये कहती थी कि रास्ता साफ है, खतरा टल गया। पैशनेट लव और इरोटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के इशारे फटे कपड़े से होते थे। बाय द वे, ये तुम्हारी जीन्स घुटनों पर क्यों फटी हुई है? ये ऐसी ही है या तुमने इसकी हालत खुद ऐसी कर दी? मैडम, मेरे इशारे कपड़ों की जुबानी ही सही। पुराने जमाने में कपड़ों को खास जगह पर फाड़ कर इशारे किए जाते थे, जैसे कि कंधों और गले के पास। गले पर कपड़ा फटने का मतलब था रिश्ते का खत्म हो जाना। यही इशारे आगे चलकर इतने मशहूर हो गए कि लेखकों, कवियों, चित्रकारों और उपन्यासकारों ने प्रेम की नोकझोंक, जुदाई का दर्द और मिलन की सुंदरता दर्शाने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया। याद है मजनू के फटे कपड़े? तो जनाब मजनू हैं। उन दिनों मैं तुमसे किसी भीड़ भड़ाके के बीच मिलता, जहाँ दोस्त रिश्तेदार हमें घेरे हुए हैं। हम दोनों की नजरें मिलती हैं, तब इस सिचुएशन में मैं तुम्हें व्हाट्सएप तो कर नहीं पाता, इसलिए अपना कान सहलाकर मैं तुमसे इशारों में पूछता कि तुम कैसी हो, और तुम अपने ईयरलोब छूकर कहती, तुमसे मिलकर तो मैं सातवें आसमान पर हूँ। दो हाथ अपने दिल पर और अपने माथे को छूकर मैं कहता कि तुम्हारे ख्यालों ने मुझे दीवाना बना दिया है, हम आखिर कब मिलेंगे, और तुम अपनी उंगलियों से अपने बालों की लट को घुमाकर मुझसे कहती कि रात की बात पक्की। इन योर ड्रीम्स,
कुछ इशारे कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। हाथों की उंगलियों में कुल मिलाकर 4th night दर्शाते हैं। सबसे छोटी उंगली का सबसे निचला पावर पहली चांदनी और अंगूठे का सबसे ऊंचा पावर पूरे चांद को दर्शाता था। इस तरह रात और दिन गिनने और तिथि और मिलन की बोली सजाने के इशारे हुआ करते थे। चलो मिलन की डेट तो तय हो गई, लेकिन इसका फैसला कैसे होता था कि मिलन कहाँ होगा? चारों तरफ तो खतरा ही खतरा था। सिंपल, वैसे तो मिलन की पिछली जगह पर ही प्रेमी और प्रेमिका मिलते, लेकिन सबसे छोटी उंगली से दक्षिण, अंगूठे से पूरब, बीच की उंगली से पश्चिम और तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर से उत्तर दिशाएं दर्शाई जाती थी। इस तरह के इशारे आम जनता के बीच होकर किए जाते, जो कि इस बात का सबूत है कि मिलन की चाह और पकड़े जाने का डर इंसान में सदियों से है। प्यार का इजहार करते समय महिलाएं अलग अलग तरह के जेवरात पहनती और अपने प्रेमी को अलग अलग तजुर्बे देने का वादा करती। ठीक उसी तरह पुरुष फूलों की मालाओं के जरिए अपनी मंशा जताते। चंपा भीड़ में किसी सुंदरी का ध्यान खींचने के लिए पहना जाता। महिला उसे देखकर समझ जाती कि प्रेमी उसे छुपकर उससे मिलने का न्योता दे रहा है। चमेली रासलीला को दर्शाता था। अमरनाथ फूल शारीरिक मिलन का प्रतीक था, क्योंकि ये फूल मिलन के दौरान टूट कर गिरते नहीं थे। अरे अजीब वक्त था यार, क्या सब कुछ साइन लैंग्वेज के जरिए ही होता था? वर्ड से भी तो प्यार जताया जाता होगा ना? नो, इस नायाब किताब में ये भी लिखा हुआ है कि अगर प्रेमी अंकुश शब्द कहे तो प्रेमिका ये समझ जाती थी कि वो मिलन की बात कर रहा है। अंकुश दरअसल एक तरह का औजार था जिसके जरिए हाथियों को काबू में लाया जाता था। लाल शब्द का मतलब होता था मिलन के लिए मंजूरी देना, पीले का मतलब था कि मिलन के लिए उतावलापन, और नारंगी का मतलब था कभी हाँ तो कभी ना। काला विभत्स और नाराजगी का प्रतीक था, जिसमें पर लगे खरोंचों से प्रेमी एक दूसरे से इशारों में बात करते, कभी मिलन के वक्त या कभी उन्हें भुलाने के लिए। इन सब में शायद सबसे खुला इशारा था पान सुपारी का सेवन, जो आज भी हर गली नुक्कड़ पर मिलती है। प्रलोभन यानी कि फोर प्ले से पहले और मिलन के बाद इसका सेवन किया जाता। ये ज्यादातर महिलाएं पुरुष को देती, जिसमें इलायची, मीठे कटहल, कपूर और लौंग पिसे हुए अदरक के साथ पत्ते में बांधे जाते। इस बात का भी इशारा था कि प्रेमिका का अपनी उत्तेजना या अराउजल की चरम सीमा पर पहुंच गई है। पान के पत्ते, उसके आकार और जायके, सबके अपने अपने इशारे होते थे। इसलिए स्वीटहार्ट, मेरे इशारे समझो। हमारे इतिहास में न जाने कितने इशारे, कितनी ऐसी जुबानें और हरकतें थीं जिनसे न जाने कितनी जोड़ियां मिल पाई होंगी, है ना? हम अक्सर इशारों में बहुत कुछ कह देते हैं और उनकी अहमियत ही नहीं समझते। ये दरअसल एक जादुई मंत्र की तरह है, जो बिना झिझक, बिना किसी संकोच के अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का परफेक्ट तरीका है। और मजे की बात तो ये है कि जहाँ पुराने जमाने में समाज में जोड़ियों को एक ही तरह के इशारे करने पड़ते थे, आज हर एक कपल का अपने खुद का सीक्रेट साइन लैंग्वेज होता है। किसी चहेते गाने के बोल, कोई नटखट सा जोक, तारीफ करने का अंदाज, या फिर सीधे सीधे मिलन की चाह का इजहार। एक्चुअली इशारे मन ही मन मिलने का सुख पाने के लिए आजमाए जाते रहे हैं। कामसूत्र भी ये सुझाव देता है कि अपनी सेक्स लाइफ को स्पाइस करने के लिए हर एक कपल को अपनी ही साइन लैंग्वेज बनानी चाहिए। इसलिए तो तुम्हें आंखों से इशारा कर रहा था। तुम मेरी बात समझ गई ना रीति? हाँ, ये लो गर्मा गर्म तुम्हारी कॉफी। थैंक्स बट नो थैंक्स, क्योंकि प्यार में इतनी नोकझोंक तो चलती है डार्लिंग। नोकझोंक नहीं होगी तो तुम बदला कैसे लोगी, और बदला नहीं लोगी तो हम करीब कैसे आएंगे? कहते हैं कि हर रिश्ते में थोड़ी नोक झोंक, थोड़े गिले शिकवे तो होते ही हैं। दिस इज ह्यूमन नेचर। लाइब्रेरी से निकलकर जब अमित घर पहुंचा, उसे देखकर रीति ने उससे पूछा, अनबन क्यों होती? देखो, हर रिश्ता परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। क्या मतलब हमारा रिश्ता परफेक्ट नहीं है? ऑफ कोर्स है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि मैं कभी तुमसे झगड़ती नहीं, तुम पर बिगड़ती नहीं। देयर यू गो अगेन, तुम्हें अपनी ही कहनी होती है। क्या तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी चीजें फैलाकर मत रखा करो, क्या तुम मेरी बात सुनते हो? अरे तुम तो गले ही पड़ गए, मेरी भी तो शिकायतें हैं तुमसे। अरे कौन सी शिकायतें, जरा बताना। चलो छोड़ो, हम में से हर एक कपल में इस तरह के छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। इस तरह की अनबन कोई जानबूझकर नहीं किया करता या करना चाहता। अक्सर हम ये भूल जाते हैं
कि जो हमारी इमोशनल और फिजिकल ज़रूरतें होती हैं वो इन छोटे आर्ग्यूमेंट्स और सिचुएशंस के ज़रिए हमें अपने पार्टनर के करीब जाने का बहाना देती हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी कहा गया है कि जहाँ प्रेम में गुस्से और तनाव की कोई जगह नहीं होती, वहीं वो एक जोड़ी के बीच विश्वास बढ़ाती हैं, जिस पर भी एक अच्छा रिश्ता बनता है। अगर गुस्से से ही तनाव की शुरुआत हुई हो तो उसका एक ही तोड़ है, प्यार, जो कि आग पर पानी का काम करता है। वैसे मुझसे तो बड़ी शिकायत नहीं हो सकती तुम्हारी। अच्छा, वो क्या? पिछली बार जब हम करीब आए थे तुम्हारे मुँह से किसी और का नाम निकल गया था, याद है? और तुम उठकर घर से चली गई थी, मुझे याद है, और उसका अफसोस भी। तुमने ठीक ही किया रीति, I deserved it। हाँ, लेकिन तुम मुझे लेने आए और मुझसे अपनी इस गलती की माफी भी मांगी। काम सूत्र में बताया गया है कि एक औरत को पूरा हक है अपने पार्टनर पर ऐसी गलती के लिए अपने गुस्से का इजहार करने का। ऐसे सिचुएशन में अक्सर वो चीखेगी, चिल्लाएगी और अपने दर्द को बयान करेगी, जो उसका हक है। मुक्ति दत्त का कहते हैं कि एक आदमी को औरत के कदमों पर गिरकर माफी नहीं मांगनी चाहिए। ये दरअसल उस जमाने के समाज के हिसाब से तय किए गए कायदे थे। आज औरत या मर्द दोनों बराबर हैं और नोक झोंक, गलत फहमी और रिश्ते में तनाव के दौरान दोनों को ही अपनी गलती मानकर एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। इससे प्यार और विश्वास दोनों ही बढ़ते हैं। जरूरी थी, मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ उसके मुताबिक पुराने जमाने में जब एक कपल साथ होते थे तो औरत के माथे पर लगे लाल निशान का क्या मतलब होता था? It's obvious, यही कि वो शादीशुदा है। नहीं, वो तो सिंदूर की महत्वता हुई। पुराने जमाने में ऐसे कई इशारे हुआ करते थे जिससे समाज में एक औरत या मर्द के कमिटेड होने के संदेश लोगों तक पहुंचाए जाते थे। मुनि दत्तका के मुताबिक अगर एक जोड़ी के करीब आने के बाद औरत के माथे पर लाल निशान हो तो लोग समझ जाते थे कि उसका मिलन हो चुका है, जबकि वही निशान एक आदमी के माथे पर ये दर्शाता था कि वो मिलान के बाद स्नान लेकर वापस आ रहा है। आहा, तो इसी लाल निशान को कई शायरों, कवियों और लेखकों ने अपने लेखों में कई बार एक जोड़ी के बीच के तनाव के अंत को दर्शाने के लिए किया, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के जज्बातों को नहीं समझ पा रहा और प्रेमिका उससे खफा है। ये इस बात का भी प्रतीक था कि एक मर्द के माथे पर इस निशान का होना इस बात का सबूत था कि उसने अपनी गलती मान ली है और अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए उसने कई पापड़ भी बेले हैं। काम सूत्र में भी इसका उल्लेख है कि ये दर्शाता है कि प्रेमी को अपने गलती का पश्चाताप है और आइंदा से वो सिर्फ उसी के साथ रहेगा और उसे ही आजीवन प्रेम करेगा। सो, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया रीति? थोड़े और पापड़ बेलो तो सोचूंगी। नोक झोंक और एक जोड़ी के बीच चल रहे तनाव पर ये लेख काम सूत्र के सबसे असरदार सुझावों में से है, जो कि आज के जमाने में कपल्स पर भी लागू होता है। आज जहाँ औरत और मर्द दोनों ही बराबर हैं, इस बात में कोई शर्म नहीं अगर एक आदमी अपनी गलती मानकर माफी मांग ले, खास करके जब इससे दोनों में विश्वास, खुशी और प्रेम बढ़े। खट्टी मीठी अनबन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जब दो लोग जिंदगी एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो जाहिर है कि कुछ चीज़ों और फैसलों पर बहस तो होगी ही। अपनी गलती मान लेने से दोनों के बीच की चुप्पी और दूरी नहीं रहते, और खुली बातचीत से क्या कुछ हल नहीं हो सकता। एक दूसरे को समझने के लिए उठे सवाल जोड़ी में ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता लाते हैं, जो रिश्ते की बुनियाद होती है, एक कपल को और करीब लाता है। रीति, तुम भी अगली बार मुझे छोड़कर चली मत जाना। जो कुछ तुम्हें कहना है, जो कुछ तुम्हारे दिल में है, वो मुझे साफ साफ बताने में कभी झिझक मत रखना। आई प्रॉमिस यू अमित, आज से नहीं अभी से ऐसा ही होगा। बोलो, क्या है तुम्हारे दिल में रीति? कि आज के कपड़े तुम वॉशिंग मशीन में धो दो। क्या फिर से? No way। औरत और मर्द दोनों एक ही जाति के हैं, लेकिन मानसिकता में दोनों भिन्न होते हैं। दोनों ही अलग अलग वजहों, उम्मीदों की वजह से बहस करते हैं। इसीलिए जब प्रेमिका खफा हो तो प्रेमी को चाहिए कि वो अपना अहंकार भूलकर उसको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। बिना झिझक, बिना किसी शर्त के अपने प्यार का इजहार ही प्रेमिका को ये यकीन दिलाता है कि प्रेमी पहुंची है, कि उसने उसे दुख दिया। वो कहते हैं ना कि जो चीज टूट जाती है उसे वापस बनाया नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह एक रिश्ते में विश्वास वो रसायन है जो एक जोड़ी बनाए रखता है। इसलिए दायरों की इज्जत करते हुए, अपने स्वभाव और जबान पर काबू रखकर, एक दूसरे के साथ खुली बातचीत करके शिकायतों को दूर करना चाहिए। वैसे रीति, बातचीत तो कई तरह की होती है ना।
पिलो टॉक, सेडक्टिव टॉक, शरारत की बातें, दिल से दिल की गुफ्तगू, जज्बातों का एक्सचेंज, बातों बातों में इरादों का इजहार भी तो हो जाता है। सेक्स की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कपल के बीच होने वाले मेंटल और फिजिकल इंटीमेसी में सबसे अहम हिस्सा कौन सा है? हाँ, टच यानी स्पर्श। और इसके भी कितने तरीके हमने इस किताब से सीखे, खरोंच, हल्का स्पर्श, जकड़, पकड़ और जाने क्या क्या। नहीं बुद्धू, इंटीमेसी या सेक्सुअल इक्वेशन का सबसे अहम हिस्सा है बातें, कम्युनिकेशन, वार्तालाप। बातें? I mean, sure, लेकिन जब दो लोग ऑलरेडी सेक्सुअली अराउज्ड हों तो बातों में टाइम वेस्ट कौन करेगा? मैंने कहा ना, तुम बुद्धू हो। काम सूत्र हमें ये बताता है कि मिलन से पहले अपने पार्टनर के साथ खट्टी मीठी बातें, किस्से कहानियाँ और इंटीमेट बातों के साथ अपने अंदरूनी जज्बात बांटने चाहिए। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं और आपको उसे बताने में झिझक हो रही है, तो आप अपने पार्टनर को वो एक कहानी के जरिए बयां कर सकते हैं। ओ, समझा, यू मीन मूड सेट करने के लिए और एक दूसरे के साथ और करीबी तौर पर कनेक्ट होने के लिए फोरप्ले का अहम हिस्सा है पिलो टॉक। बिंगो, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप अपने पार्टनर से कनेक्ट ही कैसे करेंगे अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं? मिलन, जैसा कि हमने पहले भी जाना, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। काम सूत्र में वात्स्यायन कहते हैं कि मिलन के दौरान आपके पार्टनर की सेक्सुअल इंटेंसिटी इस बात पर निर्भर करती है कि वो आपके साथ कितनी या कितना कंफर्टेबल है या आप उनसे कितना कम्युनिकेट करते हैं। वार्तालाप से एक दूसरे के पसंद नापसंद को जानने से लेकर कुछ नया तजुर्बा लेने की कोशिश में भी मदद मिलती है। इसलिए काम सूत्र में मिलन से पहले, उसके दौरान और उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन जारी रखने पर जोर दिया गया है। बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स टॉक क्या है? घूम फिर के फिर वही, जहाँ मिलन से पहले की बातचीत नटखट और खट्टी मीठी होनी चाहिए जिससे मूड सेट हो सके और कंफर्ट लेवल्स बन पाए, वहीं मिलन के दौरान की बातचीत से पार्टनर्स एक दूसरे को एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। याद है ध्वनि की शक्ति यानी कि साउंड वाइब्रेशंस? हमारे पूर्वजों ने यूं ही विज्ञान में महारत हासिल नहीं की है। काम सूत्र में भी बताया गया है कि मिलन के दौरान जब पार्टनर्स एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें और उत्तेजना का एहसास होता है। अगेन, ये एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस होता है और ख़ासकर महिलाओं के लिए जिनकी उत्तेजना स्टेजेस में होती है, उनके लिए कम्युनिकेशन जरूरी होता है। गॉट इट। लेकिन एक बार मिलन हो जाने के बाद किस तरह की बातचीत करनी चाहिए? भारी सांसें, थके हुए शरीर, रेलगाड़ी की स्पीड से भागती धड़कनें, ये सब पोस्ट ऑर्गेज्म की निशानियाँ होती हैं। बातचीत से हम अपने पार्टनर को शांत करने और उसके साथ खुद भी अपने मन और शरीर को रिलैक्स होता महसूस करते हैं। पुरुष के लिए सेक्सुअल अराउजल एक फिजिकल साइन होता है, लेकिन वहीं महिला के लिए ये होता है एक साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन। इसलिए पुरुषों को अपने पार्टनर से बातचीत करनी चाहिए, ऐसा कामसूत्र कहता है, और वार्तालाप के कई ऐसे तरीके और बेनिफिट्स बताता है। कामसूत्र बताता है कि फोरप्ले की शुरुआत फ्लर्टिंग से होनी चाहिए जिसमें वार्तालाप अहम होता है। किस विषय पर वार्तालाप होना चाहिए ये पार्टनर के पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। ओकेजन के हिसाब से और मिलन के लिए तैयार होने और अपने पार्टनर को सेक्सुअली अराउज करने के लिए बात करनी चाहिए। कामसूत्र के 64 कलाओं में कहानियों का बहुत महत्व है। हंसाने वाली, डराने वाली, प्रेम की, जंगों की, राजा महाराजाओं की या प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियाँ हम में बहुत जज्बात जगाती हैं। श्री कृष्ण की रासलीला से लेकर खजुराहो की इरोटिक मूर्तियाँ सब अलग अलग जज्बात बयान करती कथाएं ही हैं। जज्बात से ही कनेक्शन बनता या बिगड़ता है और कनेक्शन से ही कंफर्ट लेवल, कंफर्ट लेवल से इंटीमेसी, इंटीमेसी से लव, लव से सेक्स और सेक्स से मिलन। डिड यू नो कि जिस तरह सेक्स एक तरह की शक्ति का भी मिलन होता है, वहीं वात्स्यायन कहते हैं कि मिलन के बाद दोनों पार्टनर्स को कुछ समय की दूरी बनाए रखनी चाहिए क्योंकि ऑर्गेज्म के दौरान यही शक्ति वापस रिलीज होती है। कामसूत्र में ये भी बताया गया है कि दोनों पार्टनर्स को अलग होकर मिलने के बाद स्नान करना चाहिए। यही नहीं, कामसूत्र ये भी सुझाव देता है कि मिलने के बाद पुरुष को महिला की सेवा करनी चाहिए, उसके लिए साफ सुथरे कपड़ों का इंतजाम करना चाहिए और एक पौष्टिक आहार भी तैयार रखना चाहिए। कामसूत्र में वात्स्यायन महिला और पुरुष दोनों को ही एक बराबर सम्मान देते हुए कहते हैं
कि मिलन के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टनर्स एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराएं और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, आपस में बातचीत करें, एक साथ एकांत में समय बिताएं, जिससे दोनों स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड महसूस करें। पुराने ज़माने में पुरुषों को ये ज्ञात था कि प्रेम रस एक कला है, जिसके लिए हुनर अपने प्रेमिका के शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों की समझ और सबसे अहम उसके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाए रखने की लगातार कोशिश ज़रूरी होती है, और इसमें कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप सबसे ज़रूरी होता है। खट्टी मीठी यादें बांटना, खास पलों को फिर से ज़िंदा करना, हंसी मजाक, हल्की नोकझोंक, छेड़खानी, पौराणिक कथाओं में प्रेम रस के वर्णन, मशहूर कपल्स की कहानियाँ, ये सब बातें मिलन से पहले की जा सकती हैं। मिलन के दौरान अपने साथी का कंफर्ट लेवल देखने, उसकी ज़रूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, और मिलन के बाद एक दूसरे को रिलैक्स करने के लिए और दिलो दिमाग को वापस शांत करने के लिए एक दूसरे के करीब रहकर कुछ पल बातों के साथ गुजारने चाहिए। इससे एक होलिस्टिक सेक्सुअल एक्सपीरियंस यादगार बन जाता है और साथ ही आपका बॉन्ड आपके पार्टनर के साथ और मजबूत हो जाता है। सच रीति, इस किताब ने जैसे मेरी आंखें ही खोल दी हैं। इस बात का पता तो था कि सेडक्शन एक कला है, लेकिन मैंने ये भी जाना कि सेक्स एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस है जो माइंड के लिए उतना ही रिफ्रेशिंग है जितना कि बॉडी की जरूरत और सोल स्टारिंग। बिल्कुल, हम अक्सर इसे किसी एक्टिविटी की तरह निपटाकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे बर्ताव, कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, एक्सपेक्टेशंस, रहन सहन, श्रृंगार और खाने पीने की आदतें, बेसिकली हमारा पूरा लाइफस्टाइल हमारे सेक्सुअल एक्सपीरियंस को शेप करता है, और कामसूत्र में वात्स्यायन इन्हीं दुर्लभ तरीकों को समझाते हैं। हाँ, शरीर के एरोजेनस जोन्स और उनको किस तरह स्टिम्युलेट करना चाहिए, पुरुष और महिलाओं के अलग अलग सेक्सुअल जरूरतें, औजार, चुम्बन, उंगलियों के जादू, स्पर्श, उत्तेजना के औजार, ये लिस्ट तो कभी ना खत्म होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, खाने पीने की चीजों का भी सेरेक्शन में कितना महत्व है। वेट अ मिनट, खाने पीने की चीजें? हाँ, अब पान को ही ले लो। इसे जहाँ एक तरफ आज एक माउथ फ्रेशनर की तरह यूज किया जाता है, वहीं काम सूत्र के जमाने में ये प्रलोभन का एक जरिया था। जब महिला पूरी तरह से सेक्सुअली अराउज्ड या उत्तेजित हो जाती तो वो अपने पार्टनर को पान खिलाकर इशारा करती कि वो पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए तैयार है। वहीं दिलचस्प बात ये है कि नए आशिक को काम सूत्र अपनी माशूका को अपना आधा झूठा पान खिलाने का सुझाव देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा माना जाता था जैसे कि माशूका ने आशिक के होंठ को छू लिया हो। फ्लर्टिंग से लेकर फोरप्ले तक हर एक सिचुएशन के लिए पान होते थे। पान पेश करने और उसे स्वीकार करने के भी ढंग और कायदे होते थे। पान के पत्ते में सुपारी, कत्था, फल और गांजा मिलाकर पेश किया जाता था। तरह तरह के पान के जायके अलग होते थे जो अलग जज्बात बयान करते थे, जैसे कि न्योता देने वाला पान, इसे कौशल पान कहा जाता था, जिसमें मिठास की जगह कत्था मिलाया जाता था। इस पान को चार लाल धागों में बांधा जाता और अक्सर एक भिक्षु इसे प्रेमी तक पहुंचाता। कंदर्प पान प्रेमिका की उत्तेजना और बेसब्री बयान करने के लिए बनाया जाता और इसे सिर्फ सूरज डूबने के बाद पेश किया जाता। चकोर आकार का पान तब पेश किया जाता जब प्रेमिका मिलन के लिए राजी हो और इसे प्रेमी तक एक खास नौकर पहुंचाता। इसी तरह अगर किसी से प्रेमिका को प्रेम नहीं तो ये बयान करने के लिए पान के पत्ते में सिर्फ इलायची रखकर पेश की जाती। किसी से नफरत और अलग हो जाने के लिए पत्ते काले धागे से बांधकर भेजे जाते या पान को भेद कर भेजे जाते। किसी को जीवन साथी चुनने के लिए पान को लाल धागे में बांधा जाता, वैसे ही मिलन के लिए पान के पत्ते में फल, कपूर, मीठी सुपारी, अंगूर, लौंग, इलायची और दालचीनी को मिक्स किया जाता। मेहमानों को बाहर से बाहर भेजने के लिए उन्हें पान के पत्ते में दालचीनी डालकर पेश किया जाता। मतलब कि हर फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए पान होते थे, लाइक आई लव यू पान, आई हेट यू पान, गेट आउट ऑफ माय साइट पान, यू ब्रोक माय हार्ट पान, लेट्स मेक लव पान, एटसेट्रा एटसेट्रा। वाओ, इमेजिन शब्दों के बिना इस माउथ फ्रेशनर के जरिए जज्बात बयां करने का क्या नायाब तरीका निकाला ना हमारे पूर्वजों ने। अच्छा, मैंने सुना है औरंगाबाद शहर में आज भी एक ऐसा पान बनता है जो पुरुष को सेक्स गॉड बना देता है। एक मिनट, ए कहां चले? औरंगाबाद? वो पान ना 6,000 रुपए का है। अगले साल जरूर जाऊंगा। तो समझने की बात यह है कि अपने प्रेमी या प्रेमिका को मिलन का न्योता देने के लिए
उससे अपने दिल की बात बताने के लिए, जज्बातों को एक्सचेंज करने के लिए और सीक्रेट शेयर करने के लिए पान एक बहुत अहम जरिया था। सेक्सुअल एनकाउंटर के दौरान भी पान का इस्तेमाल होता था ताकि दोनों की सांसें सुगंधित रहें। कपूर एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का भी काम किया करता था जिसमें एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स होते हैं, तो ये हाइजीन और हेल्थ को मेंटेन करने के काम भी आता था। पान के अलावा कामसूत्र में वात्स्यायन, भोजन करने के तरीके और मिलन से पहले, उसके दौरान और बाद के लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार का, जैसे कि मिलन से पहले हल्के मिठाइयों का सेवन करना चाहिए, ना कि मांस मछली का, जिससे मिलन के दौरान तन से दुर्गंध पैदा हो सकती है। मिलन के बाद शक्ति प्रदान करने वाले आहार लेने का सुझाव है, मांस मच्छी, दाल रोटी, कटहल की सब्जी इत्यादि। मिलन एक फिजिकल एक्टिविटी है, इसीलिए सेक्स ड्राइव को बढ़ाने के लिए सबसे सरल सुझाव था पौष्टिक आहार लेना, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स को सही मात्राओं में शरीर को प्रदान कर सके। और शराब, कई बार लोग इसका इस्तेमाल भी मूड के लिए करते होंगे ना? कामसूत्र में मदिरा सेवन का सुझाव है, लेकिन मिलन की रात बहुत ज्यादा पी लेना वर्जित है, क्योंकि अल्कोहल सेंसेस को नम कर देता है और मिलन का सारा मजा पुरुष और महिला दोनों के लिए किरकिरा कर देता है। साथ ही इससे होने वाली दुर्गंध से भी प्रेमी या प्रेमिका को तकलीफ हो सकती है। मिलन के बाद अपने साथी के साथ बैठकर बात करने के लिए शराब पीने के बाद होश नहीं रहता, याद है ना कामसूत्र वार्तालाप के बारे में क्या कहता है? बात फिर यही रुकती है कि हर मनुष्य का शरीर अलग होता है, मेटाबॉलिज्म किसी का तेज तो किसी का धीमा होता है, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल में भी काफी फर्क होता है। इसलिए सेक्स ड्राइव को बरकरार रखने के लिए और अपने स्वास्थ्य को ऑप्टिमम बनाए रखने के लिए कामसूत्र पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी के सेवन का सुझाव देता है। शीतल जल से तन और मन तरोताजा हो जाता है और शरीर में शक्ति और ऊर्जा बढ़ाता है। वहीं मिलन के बाद थके शरीर को आराम देने के लिए गर्म पानी से स्नान का सुझाव दिया गया है। पानी में मिले हुए एरोमेटिक एरोमाथेरेपी का काम करते हैं, जो कि माइंड और बॉडी दोनों को ही रिलैक्स कर देते हैं। ये किताब तो वाकई कमाल की निकली। डाइट, लाइफस्टाइल, टेक्निक के साथ साथ ये थेरेप्यूटिक सेक्स का भी ज्ञान देती है। कपल जिसमें बताई गई पोजीशंस की मदद से एक अच्छे सेक्सुअल एक्सपीरियंस को पा सकते हैं, साथ ही तन और मन से हील भी हो जाते हैं। स्ट्रेस रिलीफ, सीमन कॉन्सेंट्रेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जोड़ों को मजबूत करने के लिए और शरीर और मन के अच्छे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए इसमें एक थेरेप्यूटिक सेक्स होलिस्टिक अप्रोच है, जिसे कोई भी ट्राई करके हासिल कर सकता है। पौराणिक लेखों में बीमारियों, शरीर विकलांगता, आलस को दूर करने के लिए थेरेप्यूटिक सेक्स का सुझाव दिया गया है। इसमें तर्क यह है कि मिलन के दौरान स्पर्श यानी टच या सेंसेशन, ऊर्जा या एनर्जी और शक्ति के लेने देने से शरीर को ताकत मिलती है। आज कई सेक्सोलॉजिस्ट रेगुलर सेक्स का भी सुझाव सर्दी, जुकाम, दिल की बीमारियां और अस्थमा जैसी जानलेवा बीमारियों को दूर करने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो यू नो अमित, समुद्र मंथन के दौरान ऐसी कई नायाब चीजें भी समुद्र के तल से निकली, जो कि मनुष्य के धन दौलत और शोहरत की उन्नति, आयु और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अहम साबित हुई, जैसे कि हीरे जवाहरात और प्रेशर स्टोन्स या रत्न। भारत हमेशा से ही प्रेशर स्टोन्स का एक इंटरनेशनल मार्केट रहा है और सदियों से यहाँ जीवन की कई दिक्कतों और अड़चनों को दूर करने के लिए अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, और सेक्स ड्राइव इज नो डिफरेंट। आयुर्वेद के अनुसार रत्नों में कई मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए लेपिस लेजुली, इजेकुलेशन की कमी दूर करने के लिए एम्बर और सीमन की कमी दूर करने के लिए मोती। इन रत्नों के पहनने की खास तिथि, मुहूर्त और वक्त होता था, जिससे पहनने वाला या वाली इनकी वैल्यू का भरपूर फायदा उठा सके। रत्नों का ज्ञान काम सूत्र के 64 कलाओं में अहम कला है, जो कि प्रलोभन यानी कि सिडक्शन में भी काम आता है। किसी को अगर रिझाना हो, मिलन के लिए न्योता देना या किसी से अलग होने के लिए अलग अलग रत्नों का इस्तेमाल होता था। मतलब कि सिडक्शन की कला दरअसल मेटलर्जी, जियोलॉजी, बायोलॉजी और बॉटनी का एक नायाब मिक्सचर है। यस, और यही 64 कलाओं में 16 श्रृंगार भी आता है, जो कि इस किताब में बारीकी से बताया गया है। एक महिला के लिए मिलन बहुत महत्व रखता है, इसलिए शरीर के हर एक अंग को सर से पैर तक सजाया जाता और अंगों को सुगंधित कर तैयार किया जाता था। आंखों में काजल और रंग बिरंगी पलकें, कंधों, गर्दन, पैरों और कमर पर मेहंदी के टैटूज, बालों में सुगंधित स्टीम,
फूल और इत्र साथ ही गर्दन हाथ कंधे कमर और पैरों को हीरे जवाहरात मोती मालाओं और चूड़ियों से सजाया जाता। उसी तरह होठ नाक कान छाती नाभि दांत योनि और पुष्ट के भी श्रृंगार होते। इसके साथ दिल बहलाने वाले रंग बिरंगे सूती और मखमली कपड़े जो हर ओकेजन के लिए अलग होते वो पहने जाते। साड़ी बांधने की स्टाइल से लेकर शरीर के अंगों को दिखाने के तरीके महिलाओं और पुरुषों के कपड़ों के जरिए इजाद किए जाते थे। कमाल है रीति, कामसूत्र की 64 कलाएं दरअसल जीवन को प्रसन्नता शांति प्रेम और उन्नति के साथ जीना सिखाते हैं। व्यवहार समाज परिवार रिश्ते नाते इन सब का उल्लेख हमें इन 64 कलाओं में मिलता है, है ना? कामसूत्र के 64 कलाओं में पहले तीन हैं संगीत नृत्य और वाद्य जो इंद्र के दरबार में गंधर्वों द्वारा किया जाता है। इसके बाद है चित्रकला, उसके बाद है पत्तों को काटकर आकार बनाने की कला, मूर्तियों के लिए फूल अर्पण, आँखों और दांतों के लिए रंगों का ज्ञान, फर्श और बिस्तर की सजावट, जल तरंग, वाद्य की कला, हाथों के मैनिक्योर्स की कला, इत्र सुगंध फूलों हीरे जवाहरातों का ज्ञान, मंत्र जादू टोना ध्वनि को मैनिपुलेट करने की कला, खाना और पकवान बनाने की कला, सीने की कला, कविता और कहानियाँ लिखने और बताने की कला, मसाज स्पर्श और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की कला और इन तरह के कई और कलाएं कामसूत्र के 64 कलाओं में आती हैं, जो कि न सिर्फ प्रलोभन या सिडक्शन के लिए बल्कि जीवन शैली का अहम हिस्सा बन गई हैं। इसका मतलब ये 64 कलाएं एक परफेक्ट फिनिशिंग स्कूल की तरह हैं, जो हर एक का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती हैं। ग्रूमिंग से लेकर बिहेवियर, एटिकेट से लेकर डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल से लेकर हेल्थ और हाइजीन, अपीयरेंस सोच विचार और सदाचार, इन सब के ज्ञान का भंडार है हमारे पौराणिक ग्रंथ। सच में ये किताब पढ़कर मैं अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ सिडक्शन का ही नहीं बल्कि लाइफ का किंग बन गया हूँ। इस किताब में सिडक्शन टेक्निक्स तो हमें ट्राई करने ही होंगे, है ना? आई कांट वेट टू ट्राई देम ऑल। दिस बुक इज रियली समथिंग वेरी स्पेशल। आप सुन रहे हैं प्रेम रस।